नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अतीक अहमद इस वक्त जबरदस्त चर्चाओं में है, वजह आप जानते ही हैं। यूपी के प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि इस पूरे मामले में 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। और सिर्फ अतीक ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ 3 और लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब एक तरफ जहां ये खबर आ रही है कि यूपी पुलिस एक बार फिर से गुजरात की साबरमती जेल से अतीक को यहां पर वापस ला सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि तिहाड़ जेल में उसको शिफ्ट किया जा सकता है, यानी केजरीवाल की छत्र छाया में अतीक अहमद रह सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा एक्शन लिया गया है 3 जेलों के सुपरिटेंडेंट पर। जी हाँ, ये कौन कौन सी जेल है आपको बता देते हैं। एक है यूपी की बरेली जेल, नैनी जेल और बांदा जेल। इन तीनों जेलों के वरिष्ठ जेल अधीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, और ये जो बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन सभी ने लापरवाही बरती थी माफियाओं को जेल में रहने के दौरान। आपको बता दें, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी रहा है, जबकि नैनी जेल से अतीक अहमद का संपर्क रहा है। तो ऐसे में कुछ ये इनपुट्स मिले हैं बड़े अधिकारियों को कि यहां पर माफियाओं के रहते वक्त जेल अधिकारियों ने लापरवाही बरती, और अब खबर ये मिल रही है कि बड़ा एक्शन ऐसे 3 जेल सुपरिटेंडेंट पर लिया जा रहा है। कौन कौन है ये जेल के अधीक्षक, ये आपको बताते हैं। बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ला, नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह और बांदा के अविनाश गौतम सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और बताया जा रहा है कि अशरफ को, यानी कि जो अतीक का भाई है, जिस वक्त वो जेल में बंद था उस वक्त भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। हालांकि अभी भी वो जेल में ही बंद है, लेकिन अब कानून सख्त हो गया है, उस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। लेकिन पहले के दौर में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, अतीक को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। ऐसे में इन 3 जेल सुपरिटेंडेंट पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि इन्होंने इन माफियाओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था। आप जानते ही हैं यूपी में योगी राज है, और यहां पर माफियाओं को किस तरह से खदेड़ा जा रहा है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। योगी के उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अतीक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसको उम्र कैद की सजा हुई साफ तौर पर योगी ने कह दिया कि माफियाओं के साथ ऐसा ही होगा। अब आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर। एक योग्य शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और अन्याय के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा।